माथे पर काले रंग की बिंदी लगाए, काले जोड़े में अपने पल्लू से अपने मुंह को धत्ती फुपकार कर कर रोती चीखती औरतें, छाती पीट पीट कर अपना शोक व्यक्त करती एक लाश को घेरे रो रही थी। छाती पीटो रे ठकुराया, तेरी बेटी गई है, रो ना, कैसी माँ है रोती नहीं। ए ठाकुर साहब बोलो, कुछ तो बोलो थे। अरे ऐसे भूत बन कर रहेगी तो ये दर्द तुम्हारे सीने में ही रह जाएगा, रो रो कर इसे निकाल दे ठकुराइन। राजस्थान में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। किसी भी राजा या जमींदार के घर किसी की मौत पर रुदाली को शोक मनाने बुलाया जाता था, जो 12 दिनों तक चला करता था। ये किस्सा शुरू होता है राजस्थान के एक गांव बिलासपुर के जमींदार प्रेमनाथ के घर से। ठाकुर साहब के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर सारी खुशियां, बस था नहीं तो एक बच्चा जो उन्हें पिता कहे। प्रेमनाथ अपने बगीचे में बैठे उदास चेहरा लिए सोचते हैं, कब मेरे आंगन में नन्ही सी जान खेलेगी, कब? अरे इतनी संपत्ति किस काम की है? भगवान पर भरोसा रखिए साहब, वो सबका ख्याल रखता है। कल ही मेरी लुगाई को सपना आया था कि ठकुराइन एक बच्ची के साथ खेल रही हैं। क्या सच में? तो वो श्राप जो हमारे वंश को लगा था? अरे अरे अरे, कितने समय बीत गए ठाकुर साहब, अब काहे का श्राप? कितने दिन ही छिपा करता है, हैं? अब तो आप खुशियां मनाइए। माली की बात सच निकली और ठकुराइन गर्भ से रही, और 1 साल में ही उन्होंने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया जिसका नाम निशा रखा गया। निशा यानी अंधेरा, घोर अंधेरा। और निशा की पसंद भी कुछ ऐसी ही थी, बचपन से उसे काली चीजें संजोने का बड़ा शौक था। हे भगवान, ये काली गुड़िया कहाँ से ले आई? फेंक इसे निशा, डर नहीं लगता तुझे? गुड़िया पूरी तरह काले कपड़े में रुई डालकर बनाई गई थी, गले में लाल रंग के धागे में एक ताबीज, मानो किसी तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल में लाया जाता हो। ठकुराइन घबरा जाती है और उस गुड़िया को निशा के हाथ से लेकर नीचे फेंक देती है। तुम्हें कुछ हो जाता तो बेटा? नहीं माँ, मुझे क्या होता, ये डॉल तो मेरी फेवरेट बनेगी, मुझे काला रंग कितना पसंद है, आप जानते हो ना माँ। ऐसी ही कुछ अजीब हरकतें करती निशा बड़ी हुई और आज 18 साल की होने वाली थी। एक दिन बाद ही उसका बर्थडे था। अपने जन्मदिन और मौत के एक दिन पहले वो रात को कहीं से बड़ी देर से लौटी और आते ही अपने कमरे में चली गई, और उस रात की सुबह फिर हुई ही नहीं। आज आसमान कितना अलग सा है ना, कितना घोर अंधेरा है। तुम्हें अंधेरे से कैसा प्यार है लाडो, अमावस की रात आते ही बाहर जाने के लिए बेचैन हो जाती हूँ, पर हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें बाहर जाने नहीं मिलेगा। जाओ कमरे में आराम करो, कल जन्मदिन है ना तुम्हारा, बहुत बड़ी दावत रखी है गांव वालों के लिए। छिप कर ही सही, आज तो मैं बाहर जाकर रहूंगी, 18 साल की हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ, मेरा बर्थडे तो बाहर ही सेलिब्रेट होगा। ठीक 12 बजे निशा छिप कर बाहर चली जाती है और सबके सोने के बाद वापस लौट कर सीधे अपने कमरे में जाकर लाश की तरह बिस्तर पर गिरती है और एक टक खिड़की के बाहर ही देखती रहती है, मानो कोई बाहर आसमान से उसे देख रहा हो। रात के 3 बजे। ओ अंकल जल्दी चलो ना। निशा के आगे लाइन में लगा हुआ आदमी अपने हाथ को शरीर से अलग कर निशा के हाथ में देता हुआ कहता है, अरे परेशान कर दिया है, अब आगे वाला बढ़ता नहीं तो कैसे बढ़ूं मैं, इस हाथ से उसे नीचे जलते आग में धक्का दे दो। ये सब क्या है गुनुका का, आप तो पौधों को पानी देते हो ना, आप यहाँ और हम सब कहाँ जा रहे हैं, और आपके हाथ कैसे कटे? यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं और कोई किसी का नौकर नहीं छोटी मालकिन, मौत के बाद तो सब बराबर है, सब। काश काश अपनी बेटी से जीते ही मिल पाते हम।
कोई नहीं, तुम मेरे पास आ गई। खैर देखो, हम मर चुके हैं। कल रात ही तुमने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। अब तक तो तुम्हारे शरीर को जलाने की तैयारी भी शुरू हो गई होगी। रात को तो मैं घर पर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, फिर क्या हुआ? काका ये सब क्या है? मैं सपना देख रही हूँ ना, मुझे वापस जाना है। निशा चारों तरफ देखती है, चारों ओर भूत पिशाच तड़प रहे थे। हमें जाने दो, जल्दी हो गई। काका, काका मुझे बहुत डर लग रहा है काका। कुछ आत्माएं स्वर्ग और नरक के बीच में फंसी रह जाती हैं। ये वही दुनिया है, प्रेत लोग। अब पता नहीं कब तक यहाँ रहना होगा। काका मुझे बचा लो प्लीज। माली अचानक पीछे पलटता है और निशा को नीचे जलती आग में धक्का दे देता है। अरे लाश के अंगूठे में धागा तो बांधो, सबके इंतजार में तुम लोगों ने शाम कर दी। अरे अब रात को लाश को जलाया भी नहीं जाता। पास बैठी एक औरत निशा की लाश के पास जाती है और अंगूठे में धागा बांधने के लिए एक रेशम का धागा तोड़ती ही है कि लाश हवा में उड़ जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ऐसा तो तभी होता है जब लोग से कोई आत्मा वापस आ जाती है। छोटी मालकिन के साथ कोई साया था, इसका शरीर जला दो वरना यह सबको खा जाएगी। न जाने क्या लेकर लौटी है। कंचन रुदाली निशा की लाश को पकड़कर उसके सीने में एक पत्थर रखकर उसके कान में कुछ बोलती है। क्रिया कर्म की कोई रस्म किए बिना ही सभी निशा की लाश को जला देते हैं। जली गई मेरी बिटिया। अब तो मेरी गुड़िया मेरे पास ही रहेगी। आखिर क्यों प्रेमनाथ के मालिक ने प्रेत लोक से निशा को बचाया? उस अमावस की रात क्या हुआ था? कंचन ने कैसे उसे अपने बस में किया? जानने के लिए देखिए कंचन रुदाली पार्ट 2।